अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में दोबारा वापसी हो गई है। इससे पहले जब चुनाव संपन्न हो रहे थे, उनकी वापसी को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। लेकिन हम भारतीय जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने किसी व्यक्ति की, किसी नेता की ईमानदारी की का सम्मान किया और उन्हें एक अवसर पुनः प्रदान किया। और आज हम मोदी जी के व्यक्तित्व पर और आने वाली योजनाओं पर चर्चा करेंगे वृंदावन से पधारे स्वामी श्री रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन में। जैसा कि पिछले 5 वर्षों में जो देशभक्त जो हमारी जनता है उसे मोदी भक्त कहा जाता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो इस समय पूरा देश दो धाराओं में बट गया है। देशभक्त कहलाते हैं मोदी भक्त, और देशद्रोही तो हैं ही, उनके लिए कोई ऐसा समीकरण नहीं बना है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या कारण रहा कि देश दो धाराओं में बट गया, और जो मोदी जी को चाहते हैं, जो मोदी जी को पसंद करते हैं, उन्हें मोदी भक्त कहा गया? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भावनाएं बना रखी हैं कि मोदी भक्त मोदी भक्त, मोदी का कोई भी भक्त नहीं है। हम पूछते हैं मोदी भक्त अभी से 4 वर्षों से 5 वर्षों से क्यों हो गए, पहले क्यों नहीं मोदी भक्त गए? मोदी मुख्यमंत्री तो थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इससे पहले अन्य मंत्री आदि भी रहे, राजनीति में काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं, तब मोदी भक्त क्यों नहीं लोग हुए? गुजरात के लोग भी मोदी भक्त नहीं थे, गुजरात में भी कभी दूसरी सरकार कभी दूसरी सरकार आती रही। कांग्रेस के द्रोही उस समय भी लोग नहीं थे, कांग्रेस बहुमत में आती रही, तो ये नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति का विरोधी और समर्थक उसके गुणों से बनता है, गुणों के आधार पर। मोदी जी में गुण क्या है? जब से मोदी जी आए हम देखते हैं भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई है, समाप्त नहीं हुआ, कमी तो आई। अच्छा, बहुत बड़ी हमने कमी कह दी तो क्या 90% आ गई? 20% भी आई तो बहुत बड़ी कमी है। जो एक अघासुर जैसी, भयंकर दानव जैसी ये भ्रष्टाचार संसार को घुस रहा था, उसका मुंह कुछ कम हुआ। अब लोग रिश्वत लेने में डरते हैं, अब लोग गलत कार्य करने में डरते हैं, सबको बैंकों से जोड़ दिया, गैस की सब्सिडी और कोई नहीं खाएगा, अब भ्रष्टाचार करेगा तो गैस का कनेक्शन वाला ही करेगा, एजेंसी वाला नहीं करेगा। अब बैंकों में तुरंत पैसा आया ये पूछने की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाता है, यहाँ पैसा आ गया या कोई काम हो गया, अब इनकम टैक्स वहीं से कट जाता है, वहीं आ जाता है। हमारे देश के लिए हम देखते हैं मोदी से पहले कितना कितना प्रांतों में आतंकवाद था, अरे नेता मार दिए जाते थे, छत्तीसगढ़ में नेताओं के नेता साफ कर दिए गए, वही छत्तीसगढ़ आज भी है, वही नक्सली आज भी है, वो लौट रहे हैं, बदल रहे हैं, उनकी विचारधारा बदल रही है इसके लिए। दूसरी बात, आजकल जो मंत्री आदि लूट करते थे, जिनकी सुविधाएं थी, जो बड़ी बड़ी सुविधाओं में थी, जय जय दुर्गा, जय 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 नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राये नियता अपनता स्मृताम। बहुत सुंदर, क्या नाम है देवी? मैं जब आप आए नहीं थे ना, तब मैं आई थी। महाराज जी, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में कांग्रेस का हार हुआ है, उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे करपात्री जी महाराज का जो शाप था वो फलीभूत हुआ है, क्योंकि 60 के दशक में जब करपात्री जी के गोरक्षा आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संतों पर गोलियां चलाई थी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय करपात्री जी महाराज ने ये शाप दिया था कि एक दिन हिमालय का सन्यासी आएगा और इस देश पर राज करेगा, और ये वही दिन होगा जब कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि मोदी जी वही सन्यासी हैं जो हिमालय से आए हैं और वही कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेंगे, और ऐसे में जबकि दोबारा उनकी सत्ता आ गई है, आपको क्या लगता है कि करपात्री जी महाराज का
जो श्राप था वो फलीभूत हो रहा है। बेटा ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, हम लोग उसके साक्षी हैं। 1966 7 नवंबर 1966 मैं कल कहने वाला था मंच से बात, लेकिन समय अभाव नहीं कह सका। करपात्री जी ने कांग्रेस को साप कभी नहीं दिया, महात्मा साप नहीं देता, साप नहीं देता। यद्यपि उस समय लगभग करीब जो देश संपूर्ण देश से एकत्रित हुए लोग, उनकी संख्या उस समय 10 लाख के आसपास थी। कहते तो लोग बहुत है, 20 लाख थे, 25 लाख, लेकिन 10 लाख से कम नहीं थे संसद भवन पर। और जो मारे गए उनमें लगभग करीब करीब 2500 के आसपास उस समय कहा जाता था। आज भी लोग ये मानते हैं कि 500-700 लोग मारे गए, करपात्री जी को भी मरा समझ के छोड़ गए थे पुलिस। वो दक्षिण भारत की पुलिस लगा दी थी, दक्षिण भारत की पुलिस थी वो लगा दी गई थी, जो हिंदी जानती ही नहीं थी। इंदिरा का शासन था, लेकिन एक नियम है, भगवान का कोई अपराध करे तो भगवान सहन कर लेते हैं। जब संत और ब्राह्मण का, गाय का अपराध करता है तो उसे परमात्मा सहन नहीं करते। एक नियम है, यदा देवेशु वेदेशु गोषु साधुषु सत्सु धर्मे मई च विद्वेषः सभा आशु विनश्यति। जब गायों पर कोई भी व्यक्ति, राजा गायों पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, गायों पर, धर्म पर और भगवान पर धर्म अत्याचार करने लगता है, सभा आशु विनश्यति, वो शीघ्र नष्ट होता है, ये भगवान ने कहा। इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों पर गोली चलवाई, देशद्रोही पाकिस्तानियों पर नहीं चलवाई, आतंकवादियों को नहीं मरवाया, संतों को मरवाया। उसका परिणाम ये आया, परिणाम आया, करपात्री जी ने नहीं साफ दिया, परिणाम आया कि उनके सामने उनका जवान पुत्र मरा। गृहस्थ आश्रम में पुत्र वियोग के बराबर कोई दुख नहीं होता। हमने इंदिरा को रोते हुए देखा, हमने एक बार कहा था, माता जी आपने ये सब क्यों किया, एक भाषा थी। उन्होंने कहा, उस समय मैं ब्रह्मचारी हुआ करता था, कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जी ना समझे में हो जाती है, लेकिन बाद को मैंने सुधार कर लिया। इंदिरा ने अपना सुधार भी किया, काफी सुधार किया, ऐसा नहीं, इंदिरा को हम बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। उसने उसने जोश में, ठीक है, एक विधर्मी व्यक्ति से विवाह कर लिया, और उसकी परंपरा भी थी पुरानी, जवाहर ने पहले ही सत्य बोल दिया था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, असली हिंदू तो थे नहीं। तो इंदिरा जी को हम गलत नहीं कह सकते। इंदिरा जी ने हमसे कहा था, ये शब्द मुझे आज भी याद है, कि ब्रह्मचारी जी गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन हमने सुधार भी तो ली। इंदिरा जो रो रही थी जिस समय, लोग तो ये कह रहे हैं वो टोकन के लिए रो रही थी, जो विदेशों में पैसा जमा था वो संजय के पास उसका टोकन था, वो टोकन कहीं लुप्त हो गया। लेकिन जिस माता का जवान बेटा मरा हो, उसके दुख का पारावार एक गिरे हुए सूकर कूकर को भी होता है, वो तो एक महिला थी, उसके सामने दुख आया। ठीक है, लोग कहते उसने अपना पति मरवा दिया, लेकिन वैधव्य का दुख क्या होता है एक विधवा जानती है। जब उसके सामने बेटा मरा, पति मरा उसका, उसके सामने ही देखते देखते उसके ही विश्वास पात्रों ने, जैसे हमारे देश के राजनेताओं ने, हमारे देश के राजा ने निश्चल देशभक्त गौ भक्तों को, संतों को मरवा दिया, ऐसे उसके ही अंग रक्षकों ने उसको भून डाला। और उसके बाद उसका जो लड़का दूसरा आया वो भी गोली का शिकार हुआ। तीन को तो आप लोग देख ही रहे हो, भगवान करे ये बेवकूफ राहुल और वो हमारा क्या नाम उसका है, मेनका का बेटा, वो वरुण, वैसे वरुण बहुत अच्छा लड़का है, बीजेपी उसे लिप्त नहीं दे रही है, जो गलत है, वो बहुत अच्छा लड़का है, काम का लड़का है, संजय गांधी का लड़का, उसमें हिंदुत्व है, देश के प्रति लगन भी है, उसे आगे लाना चाहिए। तो ये सारी बातें इंदिरा ने जो भी की, अच्छी भी थी बुरी थी, उसका परिणाम भोग रही है। और आगे
और भाई देखो सही बात तो ये है, राहुल आज हो गया है लगभग 48-50 साल का, जो भी हो गया हो 48-50 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। कांग्रेसियों के लिए युवक है वो, यद्यपि वो बूढ़ा हो गया 10 साल बाद, नेता है इसलिए लंबा जिएंगे, 10 साल बाद किसी काम का नहीं रहेगा। अभी तक वैधानिक विवाह तो हुआ नहीं, वैधानिक बच्चे नहीं पैदा हुए, हो सकता वैधानिक हो, अवैधानिक कोई पत्नी हो उसकी, वैधानिक नहीं तो वैधानिक नहीं, तो वैधानिक नहीं होने के कारण वंश समाप्त, वंश नाश। इंदिरा का वंश तो वही कहा जाता, वो तो मेनका वंश अलग है।